जी आज हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे इसका। नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इसमें कि यहाँ पर हमारे पास आई ड्रॉपर, ये कॉपी, कलर सैम्पलर टूल और रूलर और ये नोट टूल हमने यूज़ किया। आज हमने इससे आगे वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें हमारे पास सबसे पहले स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, इसके लिए हमें एक इमेज चाहिए, ऐसी इमेज जिसके चेहरे के ऊपर स्पॉट्स मीन धब्बे, ठीक है। तो ऐसी इमेज हम नेट से निकाल लेते हैं, ओपन, और ये हमने यहाँ पर दिस, तो इसके चेहरे के ऊपर ब्लैक स्पॉट्स हैं, इसको लेयर में कन्वर्ट कर देंगे और पिक्चर को हम बड़ा कर देंगे। ये नेट से भी आप सर्च कर सकते हैं, फेस विद ब्लैक स्पॉट्स, तो ये नेट के ऊपर आपको बेशुमार इसकी इमेजेस मिल जाएंगे। इसमें हमारे पास यहाँ पर तीन ऑप्शन है, एक लिखा हुआ कंटेंट अवेयर, तो अभी हम कंटेंट अवेयर पे रखेंगे और यहाँ पर हम इसको लाइट पे रखेंगे। लाइट पे रखने से ये डार्क धब्बे रिमूव करेगा, डार्क पे रखने से लाइट धब्बे रिमूव करेगा। तो हम इसको लाइट पे रखेंगे क्योंकि हमने ये ब्लैक स्पॉट रिमूव करने हैं। इस सर्कल को हम बड़ा छोटा कर सकते हैं, वो शॉर्ट की समय आती हैं, हम यहाँ से इसको बड़ा कर सकते हैं और यहाँ से इसको छोटा कर सकते हैं। ये नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, अब करके देखें, हमारी फोकस नहीं था, तस्वीर के ऊपर फोकस लाना ज़रूरी है। तो जितने हमें स्पॉट वो सर्कल चाहिए उतना हमने ले लिया। अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, आप देखें आपके ब्लैक स्पॉट रिमूव हो रहे हैं। ये लाइट पे रखा तो ब्लैक कर रहा है, अगर हम यहाँ पर डार्क पे रखें तो आपके पास, ये मैंने डार्क पे रखा, तो डार्क पे रखने से ये लाइट धब्बे रिमूव करेगा, लाइट स्पॉट रिमूव करेगा। हम लाइट स्पॉट लगा लेते हैं, हम ब्रश का एक टूल है उससे लगाएंगे, ये रहा ब्रश, और यहाँ पर आपको वाइट लेके आना है। हम इसको वाइट पे लाने के लिए इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको जो डिफ़ॉल्ट में ब्लैक एंड वाइट कलर होता है उस पे ले जाएगा आपको। जब हमने इस बटन पे क्लिक किया तो जब हम शुरू में इस विंडो को ओपन करते हैं फ़ोटोशॉप को, तो इसका ब्लैक एंड वाइट ही कलर होता है, और आपने वापसी उसको लेके जाने के लिए इस पे आपने क्लिक किया, और इसको आपने इंटरचेंज करना हो, यानी कि फोरग्राउंड और बैकग्राउंड आपस में इंटरचेंज हो जाएं, तो ये वाइट आपका यहाँ पर ऊपर आ गया। अब यहाँ पर मैंने एक सर्कल लिया हुआ है, और यहाँ पर सर्कल लेने के साथ साथ इसको हम छोटा कर लेते हैं दिस, और यहाँ पर हम वाइट धब्बे लगा देंगे दिस। इनको अब रिमूव करेंगे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, ये आप डार्क पे रखेंगे तो आपके पास ये लाइट धब्बे रिमूव करेगा, देखें। अगर इसको मैं लाइट पे रखता हूँ फिर ये नहीं करेगा, दिस दिस, देखिए अब नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने लाइट पे रखा हुआ है इसको। अगर आप ये गलती कर रहे हो तो यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा कि मैंने लाइट पे रखा हुआ है या डार्क पे रखा हुआ है, ठीक है। तो अब इसको डार्क पे रखेंगे दिस, और ये आपके पास ये लाइट धब्बे रिमूव करना शुरू कर देगा। उसके बाद हम तस्वीर को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, मैंने कल भी आपको शॉर्ट की बताई थी लास्ट लेक्चर में, तो अब दोबारा बता देते हैं कि तस्वीर को ओरिजिनल हालत में वापस लाने की शॉर्ट की F12 है। F12 से जितनी भी सेटिंग्स हमने पिक्चर पे अप्लाई की होती हैं वो सारी ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। और दोबारा आप इसको जो है ना बैकग्राउंड से लेयर बना देंगे। अब ये क्रिएट टेक्सचर, क्रिएट टेक्सचर पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास देखें ये टेक्सचर हमारे पास आ रहा है, तो ये चेहरे को ख़राब कर रहा है, तो इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। तस्वीर को वापसी अपनी हालत में लाना हो तो F12 प्रेस करेंगे। प्रॉक्सिमिटी मैच, प्रॉक्सिमिटी प्रॉक्सी अंदाजे को कहते हैं कि मैं इस जगह पर इस कलर को रिमूव करना चाहता हूँ, इसको बैकग्राउंड से लेयर बनाएं। ये बार बार हमें करना इसलिए पड़ेगा क्योंकि F12 बिल्कुल पीछे ले आता है, ठीक है। तो अब प्रॉक्सिमिटी मैच हमने यहाँ लगाया हुआ है और दिस, तो ये देखें, तो ये चेहरे को प्रॉक्सिमिटी मैच साथ वाला कलर देने की कोशिश करेगा, साथ वाला कलर देने की कोशिश करेगा, लेकिन बिल्कुल हूबहू वो कलर नहीं देगा। तो ये भी फिर इसका मतलब है काम सही नहीं कर रहा। तो बेहतर कौन सा है? कंटेंट अवेयर, हम कंटेंट अवेयर पे रखेंगे और यहाँ पर इसको लाइट पे रखेंगे, तो ये लाइट पे रखने के बाद ये आपके पास देखें ये रिमूव हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ गई हमारे पास।
जी, अब हमारे पास आप उसको आगे लेके चलते हैं F12। दूसरा हमारे पास टूल है हीलिंग ब्रश टूल। इससे पहले हम ना पैच कर लेते हैं, फिर हीलिंग ब्रश भी कर लेते हैं। पैच टूल, पैच टूल भी ऐसा ही कुछ काम करता है। यह यहाँ से मैंने देखें ये सिलेक्ट किया माउस से, और इसको मैं जिस जगह पर जाकर ड्रॉप करता हूँ वो कलर इस जगह को लग जाएगा। ये देखिए मैंने यहाँ से इसको फिर इस स्पॉट को और यहाँ पर जाकर ड्रॉप किया, वो कलर इसको लग जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो ये आपके पास कौन सा टूल है? पैच टूल है। ठीक है, तो ये एक ही तस्वीर के ऊपर दोनों हमने काम करके अच्छे से देख लिए, और F12 दबाया हमने तो अब पिक्चर अपनी हालत में वापस आ गई। और इसको हम छोटा कर लेते हैं पिक्चर को। अब हम यहाँ पर हीलिंग ब्रश टूल को यूज़ करेंगे। हीलिंग ब्रश टूल, हीलिंग ब्रश टूल जो है ना हमारे पास होता है, इसके लिए हम जो है ना एक और पिक लेंगे और उसको हम नेट पे सर्च करेंगे, नाव इन रिवर। नाव कश्ती को कहते हैं, रिवर दरिया को कहते हैं, कि दरिया के अंदर हमें छोटी कश्ती दिखाए। ठीक है, तो उसकी पिक्स हम फिर अपने पास कंप्यूटर में सेव करके यहाँ पर लेकर आएंगे। ये आपके पास नाव इन रिवर ये आ गई हमारे पास। इसको बैकग्राउंड से लेयर बना देंगे। आप इस कश्ती को कॉपी करना चाहते हैं और जगहों पर भी इसकी पेस्टिंग करना चाहते हैं, टूल हमने कौन सा लिया है जी? हीलिंग ब्रश टूल। तो यहाँ पर इसको कॉपी करने के लिए आल्ट और क्लिक करेंगे। ये कश्ती हमारी कॉपी हो गई। दिस 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 और दिस, तो हमने काफ़ी सारी कश्तियों की यहाँ पर कॉपीज़ बना के दिखा दी। दूसरा इसमें ये है कि जिस जगह पर हमने कॉपी की उसी का सराउंडिंग कलर जो है ना उसको मिल गया। यहाँ पर लाइट कलर है, यहाँ पर डार्क कलर है। यहाँ पर उसने जैसा उसका सराउंडिंग थी, उसका इर्द गिर्द था, वैसे ही कलर उसने इसके लगा दिया। ठीक है, तो ये अच्छी काम की चीज़ है F12। तो ये हमारे पास हीलिंग ब्रश टूल भी काम में आ गया। उसके बाद रेड आई हमारे पास है, रेड आई टूल। ये क्या काम करता है? ऐसी तस्वीर जिसमें आंखें लाल हों उसके लिए रेड आई टूल यूज़ होता है। जब रात को कैमरे से तस्वीर खींचते हैं और कैमरे की फ्रंट लाइट जल रही हो तो आंखें लाल हो जाती हैं, उनको ठीक करने के लिए ये वाला टूल है। इसमें जस्ट हम इसके ऊपर ऐसे पेस्ट करेंगे तो ये आंखें ठीक हो जाएंगी। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था। तो थोड़ा थोड़ा लेक्चर दिया जा रहा है और